हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं प्रेम सागर आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बॉल्स के बारे में कि आपको कौन सी बॉल पिक करनी है। आप अगर न्यू पेसर हो और अगर आप न्यू बॉल से स्विंग कराना चाहते हो तो आप कौन सी बॉल पिक करोगे, और अगर आप एक मतलब वेरिएशन करना चाहते हो तो आपको कौन सी बॉल पिक करनी है। मतलब अगर आपको अपने बॉलिंग में इंक्रीज करना है या कुछ वेरिएशन लानी है तो आपको कौन सी बॉल पिक करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉल को कैसे स्विंग कर सकते हैं, स्पिनर्स बॉल को कैसे स्पिन करेंगे, और जो वेरिएशन करते हैं वो किस बॉल से करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हो मेरे पास तीन बॉल है। ये जो बॉल है बिल्कुल न्यू बॉल है, इससे अभी तक एक भी बॉल नहीं डाला मैंने, और जो ये वाला बॉल है इससे 6 ओवर डाल चुके हैं। इसके बाद अभी ये सेमी न्यू बन चुका है। इसका मतलब है कि जो वेरिएशन करवाते हैं, मतलब जिसको वेरिएशन सीखना है, जैसे हमारा स्लोअर सर्न हो गया, ऑफ कटर, लेग कटर हो गया, बैक ऑफ द हैंड्स हो गया, तो वो हमारे सेमी न्यू बॉल से करते हैं, क्योंकि अगर उसे हम न्यू बॉल पे अप्लाई करेंगे तो वो भागने लग जाएगा इधर से उधर। इसलिए हम उसे सेमी न्यू बॉल से ट्राई करेंगे। और जो हमारा ये पुराना बॉल है, मतलब इससे हमारे कम से कम 10 ओवर से भी ऊपर फिक चुके हैं, तो ये ऐसा हो गया, तो इससे हमारे स्पिनर्स बॉल डालेंगे। इन सबके अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जगह पे इसे यूज करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा टोटली बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे कि न्यू बॉल को कैसे स्विंग कर सकते हैं, सेमी न्यू बॉल से कैसे वेरिएशन डाल सकते हैं, ये सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक बैट्समैन हो तो अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कभी कभी बैट्समैन को भी पार्ट टाइम बॉल डालनी पड़ जाती है, आपने नेट्स में देखा होगा, तो वीडियो स्किप मत करना। उनके माइंड में भी अगर टिप्स रहेगी तो उनको भी इजी रहेगा बॉल डालने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं हमारी पहली बॉल जो कि है न्यू बॉल। इसको हमें बस मीडियम पेसर को ही देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा पहला बॉल जैसे होता है, स्टार्टिंग का पहला ओवर ही स्पिनर करने लग जाते हैं, और कोई कोई स्पिनर्स विकेट ले लेता है नया बॉल से, लेकिन ऐसा होता है कि नया बॉल स्पिन नहीं होता है, क्योंकि वो हाथ में भी सही से नहीं आता, फिसलता है बॉल, और ज़्यादा मतलब उस पर शाइन लगी होती है, तो जब वो डालने जाते हैं तो जो वो डालना चाहते हैं वो नहीं जाती है बॉल। मतलब अगर मान लो ऑफ स्पिनर है, उसने ऑफ पे डाला, वो सीधा स्किट करके चला जाएगा, स्पिन नहीं होगा। तो पहला ओवर जो आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में, वो मीडियम पेसर ही डालते हैं। मीडियम पेसर क्यों डालते हैं, क्योंकि बॉल बिल्कुल नया होता है, उन्हें स्विंग मिलता है नया बॉल से, और हमें स्विंग पे कैसे काम करना है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक मीडियम पेसर बनना चाहते हो तो आपको नया बॉल से भी बॉल ट्राई करना है, आपको साथ ही मैच में भी बॉल ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप नेट में डालते हो तो आप मैच में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि मैच का माहौल अलग होता है। तो कभी कभी मैच में ऐसा होता है हवा चल रही होती है तो बॉल कंट्रोल नहीं होता, तो आपको मैच में भी बॉल ट्राई करना है, नहीं तो आप फिर अगर मैच में एकदम से डालने जाओगे तो फिर वो पंजा वंजा जाएगा, आपके ज्यादा रन जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा। इसलिए आप नया बॉल मैच में ट्राई करो, पहले नेट में ट्राई करो, उसको फिर अप्लाई मैच में करो, आपके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। तो ये चीज याद रखना, आप अगर मीडियम पेसर बनना चाहते हो तो आपको नया बॉल से बॉल डालना है, और जो स्पिनर्स हैं वो नए बॉल से ना ही डाले तो अच्छा रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड बॉल जो कि है सेमी न्यू बॉल से। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एमपीएल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप 10 नहीं 20 नहीं टोटल 99 टीम तक बना सकते हो। जितनी ज्यादा आप टीम बनाओगे उतने ज्यादा आपके चांस बन जाएंगे जीतने के। आज की टीम मैंने बना ली है, आप स्क्रीन पे आप मेरी टीम देख सकते हो। आप भी जल्दी से जाओ अपनी टीम बनाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको टीम बनानी नहीं आती तो आपको एमपीएल चैनल पे एक्सपर्ट्स मिलते हैं, दीपदाव गुप्ता जैसे, जो आपको टीम बनाना सिखाते हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साइड में आपको फोटो भी दिख रही होगी, पूरा रिसर्च उनका और लाभ आपका। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेमी न्यू बॉल की। सेमी न्यू बॉल आपको कब यूज करनी है, आपको सेमी न्यू बॉल यूज करनी है आपके वेरिएशन को सही करने में। जैसे आपको ऑफ कटर डालना है, जब मीडियम पेसर ऑफ कटर डालते हैं, या आपको लेग कटर डालना है तो आपको सेमी न्यू बॉल लेना, लाइक जैसे आप बैक ऑफ द हैंड डालते हो, स्लोअर स्वन डालते हो, तो आपको नया बॉल यूज नहीं करना है। क्योंकि नया बॉल ये होता है कि आपने सीम से पकड़ रखा है, स्लोअर स्वन डालने जाओगे बॉल फिसल जाएगा, तो बॉल शायद पहुंचे भी ना, और पहुंचता भी है तो बैट्समैन पढ़ लेता है उसको, क्योंकि नया बॉल आता है आप हाथ में सही से टाइट से नहीं पकड़ पाते हो। तो आपको सेमी न्यू बॉल ट्राई करना है हमेशा वेरिएशन सीखने के लिए। इस आईपीएल आपने देखा होगा हर्ष पटेल को कैसे उन्होंने वेरिएशन से सबसे ज्यादा विकेट लिया है इस आईपीएल, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। और गाइस आपको हमेशा वेरिएशन यूज करना है तो आपको आपका सेमी न्यू बॉल यूज करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पुरानी बॉल की जो कि 10 ओवर के बाद हो जाती है, उसको किसे यूज करना है। तो थर्ड बॉल आप देख सकते हो ये 10 ओवर से ज्यादा फिक चुकी है, कैसी इसकी हालत हो गई है, तो ये हमारी यूज आई है स्पिनर्स को, क्योंकि ऐसा रहता है जब बॉल पुराना बन जाता है तो पकड़ बन जाती है। जैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छी पकड़ बनती है, नई बॉल से इतनी अच्छी पकड़ नहीं बनती है। तो पुराना बॉल स्पिनर्स को यूज़ करना चाहिए, उनको लेग स्पिन डालना है, ऑफ स्पिन डालना है, जितना टाइट वो पकड़ेंगे अपने ग्रिप को, जितना सीम से उनका मतलब ऐसे ऐसे करके जाएगा, उतना वो अच्छा परफेक्ट स्पिन कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिल्कुल जब नया बॉल हो जाए, बॉल में जान ना बचे, मतलब थोड़ी बहुत जान बचे, तो आपको स्पिनर्स को दे देनी चाहिए बॉल। क्योंकि अगर आप बिना जान के पेस डालते जा रहे हो, ना आपका स्पीड बनेगा, ना आप स्विंग करेगी बॉल, और बस बैट्समैन भी बिल्कुल ईजी बस उसको खेलता रहेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस लो होता रहेगा, क्योंकि
क्योंकि अगर आपको विकेट नहीं मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, 100% ही लो होगा। तो आपको ये करना है, जब आपका बॉल नया मतलब ऐसा रहता है कि पुराना हो गया, तो आप उसको स्पिनर को दे दो और आपका जो दोस्त होगा जो नया बॉल लाएगा स्पिन, उससे आप उससे नई बॉल ले लो और फिर बाद में एक्सचेंज कर ले करना। इससे दोनों का फायदा होगा, क्योंकि उसका स्पिन अच्छा हो जाएगा और आपका मीडियम पेस अच्छा हो जाएगा। तो गाइस वीडियो बहुत छोटा था बट इंपॉर्टेंट था हमारे बॉलर के लिए। अब आप वेट कर रहे हो गिव अवे पॉइंट का, तो आप गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिव अवे में होने वाला है वन प्लस फोन, जो कि एक लकी यूजर्स को मिलेगा, और जो 49 यूजर है उन्हें मिलने वाला है विराट कोहली के साइन के साथ कैप, बॉल, बैट और जर्सी। तो गाइस किसका वेट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाओ गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। कैसी लगी वीडियो लाइक कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।